हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। सो आज की इस वीडियो में हम 30th of August का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रीसेंट रूलिंग में प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है, जैसे कि बेल एप्लीकेशंस, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की है। सो बेसिकली केस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पर्टिकुलर पर्सन को बेल दे दिया है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट हुए थे। नाउ ये देते समय सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि जेल इज़ द एक्सेप्शन एंड बेल इज़ द रूल। मतलब अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी एविडेंसेस नहीं है या फिर जब तक उनका ट्रायल चल रहा है तब तक उनको जेल में डालना सही नहीं होगा, उनको बेल देना ही सही होगा। बिकॉज अगर आप प्री ट्रायल मोड में जाए, मतलब जब किसी पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, मतलब उसके एविडेंसेस को कोर्ट में प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, उस समय में उसको जेल में डालना पनिशमेंट के बराबर ही होगा। मतलब बिना उनका जो भी जुर्म है उनका, उनको बिना उसको कंप्लीट किए हुए, बिना उसको प्रॉपरली प्रूव किए हुए हमने उस पर्टिकुलर पर्सन को पनिशमेंट दे दिया। अगर आप इससे पहले भी देखें तो 2022 में विजय मंडलाल नाम का एक पर्टिकुलर केस यहाँ पर आया था जिसके अंदर भी सेम यही चीज़ हुई थी। PMLA का केस था, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस था, जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ करके ED ने जेल में डाल दिया था। वहाँ पर भी उन्होंने यही बोला था कि हम डायरेक्टली ऐसा किसी को नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसे तो जो भी पार्टी इन पावर है, जो भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है, वो हमेशा अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ ऐसे ही करती रहेगी कि उन किसी के अगेंस्ट भी अगर आप केस इनिशिएट करा देंगे तो आप उनको जेल में डाल देंगे। तो दिस विल बी एक्चुअली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। और ये पर्टिकुलर जो केस है वो अभी भी रिव्यू के अंदर है। ये शो करता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है। नाउ जो रिसेंट रूलिंग हुई है वो ये शो करती है कि लीगल सेफगार्ड्स लोगों को प्रोवाइड करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरत की चीज़ है वो। जैसे बेल वगैरह का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो बेल एक एक्सेप्शनल केस है, बेल रूल नहीं है। हम हर पर्सन को उठा करके जेल में नहीं डाल सकते, राइट। सो बेल देना ही बिल्कुल सही चीज़ होगी ताकि उन लोगों को अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए सही तरीके से उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और साथ ही साथ जो मिसयूज ऑफ पावर का इशू है उसको भी कहीं ना कहीं ये सॉल्व करता है। आपने देखा है ED, CBI, CID ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादातर रूलिंग पार्टी के फेवर में काम करती है, और जो भी ओपोनेंट होती है यानी कि जो अपोजिशन पार्टी होती है उनको टेक्निकली वो उठा करके जेल में डालने की कोशिश करती है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये चीज़ भी बोली है कि देखो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट अगर देखकर ऐसा लग रहा है, प्राइमा फेसिया ऐसा लग रहा है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस किया है, गलती की है, सिर्फ इस पर्टिकुलर बात पे हम उसको उठा करके जेल में डाल दें और उसको बेल ना दें, ये चीज़ सही नहीं होगी। हमें प्रॉपर सब्सटेंशियल ग्राउंड्स पे प्रॉपर प्रूफ चाहिए, प्रॉपर एविडेंसेस चाहिए जो कि हमें प्रॉपरली शो कर सके कि इस पर्टिकुलर पर्सन को सच में डिटेन करना जरूरी है, वरना ये सोसाइटी के लिए खतरा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को जेल में तभी डाला जाता है जब वो सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, या फिर उसको रहने से सोसाइटी में कोई या फिर समाज में कोई खतरा हो सकता है। तो अगर जो भी वकील है अगर उसको सब्सटेंशियल ग्राउंड पर प्रूव कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उसको जेल करेगा, बट जब तक वो प्रूव नहीं होता तब तक उसको बेल करना ही सही होगा। नाउ जो रिसेंट डिसीजन लिया गया है उसी के बेसिस पे 2022 में जो हमने ऊपर एक विजय मंडलाल का केस देखा था, उस पर्टिकुलर चीज़ को फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर से एक बार रिकंसिडर कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि PMLA के प्रोविजंस हैं उनको फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा। PMLA प्रोविजंस जो है उसमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स भी हैं जिसके तहत अक्सर जो जर्नलिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से हट करके एक एक प्रॉपर एक रास्ता होना चाहिए कि किस तरीके से PMLA को इन्फोर्स किया जाएगा, कौन कौन से प्रोविजंस में कौन पर्टिकुलर पर्सन जेल डाल जा सकता है, किसको बेल मिल सकता है, किसको बेल नहीं मिल सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर एक प्रॉपर रिविजिट जरूरी है इस पर्टिकुलर लॉ की, वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स के ऊपर फोकस किया है, ये शो करता है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर कितने सीरियस हैं, हम अपने सिटीजन्स को प्रॉपरली फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं सो दैट उनका एक फेयर ट्रायल्स मिले, उनको फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सो दैट वो अपना काम प्रॉपरली कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर चीज़ प्रॉपरली समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड आर्टिकल, जहाँ हम हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट जितने भी सेक्सुअल वायलेंसेस के केसेस हो रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। नाउ दिल्ली का केस देख लीजिए या फिर कोलकाता का केस देख लीजिए, हाथरस का केस देख लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स, उनके अगेंस्ट, स्पेशली जो वुमेन्स होती हैं उनके अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंसेस के बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं, जिसके कारण एक बहुत बड़ा इशू फिर से एक बार लाइमलाइट में आता है कि जो वुमेन्स की सेफ्टी एट देयर वर्क प्लेस वो भी बिल्कुल भी सही नहीं है, उनके ऊपर सही चीज़ें नहीं हो रही हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो हम लोग हैं, मतलब जो सिटीजन्स हैं, वो बेसिकली प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करते ही हम लोग क्या किस चीज़ की डिमांड करते हैं, वी डिमांड फॉर स्ट्रिक्ट मेजर्स, कि बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लो, उस पर्टिकुलर चीज़ का अक्यूज्ड है, मतलब जिसने वो गलती की है उसको डेथ पेनल्टी दे दो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म सोचिए तो ये डेथ पेनल्टी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। डेथ पेनल्टी से चलो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा,
बट कैसे हम आने वाले जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट? जो रूट कॉज है सेक्सुअल वायलेंस का, उसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो प्यूनिटिव एक्शन है, मतलब जो हम पनिशमेंट्स देते हैं शॉर्ट टर्म में, वो इनसफिशिएंट होते हैं, वो चीज़ें सही नहीं होती है। हमें फोकस करना होगा, एक तरफ तो चलो सीवियर पनिशमेंट्स ठीक है, बट साथ ही साथ हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमैटिक चेंज लाना होगा, जिस चीज़ को कहीं ना कहीं अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है डेथ पेनल्टी के नाम पर या फिर किसी और चीज़ के नाम पर। अक्सर जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब गवर्नमेंट की कोशिश करती है कि जो भी पर्टिकुलर केस अगर अराइज हुआ है तो उस चीज़ को ना शॉर्ट टर्म में किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर दिया जाए, सो दैट लॉन्ग टर्म प्रोटेस्ट इमर्ज ना हो। बट ये चीज़ एक्चुअली रूट कॉज को सॉल्व नहीं करती है। हो सकता है कि वो सेम प्रॉब्लम फिर से कुछ महीनों बाद फिर से रीट्रेट हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? आर वी गोइंग टू जस्ट कीप पनिशिंग द परपेचुएटर्स, जो गलती कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ बार बार सिर्फ उनको पनिशमेंट देते रहेंगे, या फिर हम आगे बढ़कर एक कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेंगे और ऐसे प्रॉब्लम्स को होने से पहले रोक देंगे? सो किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर? ज़रूरत है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की। हमें सिर्फ एक पीनल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मतलब जो हमें पनिशमेंट दे, जो पेनल्टी दे, सिर्फ ऐसे सॉल्यूशंस नहीं चाहिए। रादर हमें चाहिए इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। मतलब इंस्टीट्यूशन कौन से इंस्टीट्यूशन? यहाँ पर अगर देखो मेन अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, जो यहाँ पर जेंट्स हैं, जो बॉयज़ हैं, मतलब जितने भी हैं, उन सब की अकाउंटेबिलिटी चाहिए। एक कल्चरल चेंज की ज़रूरत है, सिर्फ सोसाइटी में नहीं बट एक पर्टिकुलर अगर पर्सपेक्टिव में देखो तो आप हेल्थ केयर सेटिंग्स में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, नर्सेस की बेसिकली बैरक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सबको प्रॉपरली संभालने की ज़रूरत है। हमें कल्चरल शिफ्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर हमें सेक्सुअल वायलेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स लाने होंगे कुछ। कैसे? जैसे कि जो जितने भी जेंडर बायसेस हैं, जो मैन और वुमेंस को अलग अलग देखते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को टैकल करने की ज़रूरत है। हमें एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा दोनों ही, मेन और मैन और वुमेन दोनों के लिए। इसके अलावा हमें इन्हांस करना होगा ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नेंस है किसी भी हॉस्पिटल्स का, किसी भी ऐसे डिस्पेंसरीज का, इन सब चीज़ों को हमें संभालना होगा। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे इंक्लूसिव पॉलिसीज बनानी होंगी जिसके तहत हेल्थ केयर वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जाए, सो दैट वो आकर अपने खुद के स्टेप्स वगैरह बता सकें किस तरीके से हम हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ से आने दीजिए, राइट? लेट देम स्पीक आउट। उनको स्ट्रेस एम्पथी जो होता है, अफोर्डेबल केयर प्रोवाइड करो, जेंडर सेंसिटिविटी प्रोवाइड करो, सो दैट वो आगे आकर अपनी चीज़ों को बता सके प्रॉपरली। इसके अलावा जैसा हमने पहले ये बात की, एक कल्चरल शिफ्ट की ज़रूरत है हमें, सो दैट हम हेल्थ केयर वर्कर्स की डिग्निटी और सेफ्टी दोनों का ध्यान रखें और उसको प्रोटेक्ट करने में हम आगे आएँ। एक पर्टिकुलर सजेशन इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन किया गया है कि ज़रूरत है कि हम एक ऐसा रोबस्ट फ्रेमवर्क क्रिएट करें जिसके अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स की राइट्स को, उनके सेफ्टी को, उनके ओवरऑल चीज़ों को संभालने के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स को अडॉप्ट करें, सो दैट जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं वो भी और जो लॉन्ग टर्म कल्चर चेंजेस हैं वो भी, दोनों चीज़ों को हम एक साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनेज कर सकें, दोनों को हम यहाँ पर एक साथ सॉल्व कर सकें। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इंडिया का डिप्लोमेटिक पोजीशन यूक्रेन के ऊपर किस तरीके से शिफ्ट हुआ है ओवर टाइम, या फिर क्या आज भी वो वैसा ही है जैसा आज से 50 साल पहले हुआ करता था। देखो, अगर हम हिस्टोरिकली कनेक्ट करें तो इंडिया का जो स्टांस अभी रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में है वो, और जो रशिया का, जो इंडिया का इंस्टांस सोवियत यूनियन ने जब बेसिकली अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था 1980s के आसपास में, उस टाइम दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आया है। उस टाइम भी बेसिकली इंडिया क्रिटिकल तो था इन्वेजन के लिए कि रशिया को बेसिकली अफगानिस्तान पे अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उसने रशिया को कुछ भी बोला नहीं था। क्यों? बिकॉज इंडिया उस टाइम रशिया से अपने हिस्टोरिकल और स्ट्रेटजिक टाइज को और ज़्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा था। अब अगर आप अभी की बात करें इंडिया यूक्रेन की, तो अभी भी रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट में ऐसा नहीं है कि इंडिया रशिया को रोकना नहीं चाहता है, बट वंस अगेन इंडिया को बहुत ही कॉशियस होकर ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है, बिकॉज इंडिया को एक कंसिस्टेंट, देखो इंडिया के जो पैटर्न है, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग है उसके अंदर एक कंसिस्टेंट पैटर्न देखा गया है। उस समय भी इंडिया कहीं ना कहीं इन चीज़ों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, और आज भी इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम देखें तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने रिसेंटली यूक्रेन में विजिट किया, वहाँ जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव एक्चुअली मतलब ट्राई किया है इंडिया की तरफ से, कि इंडिया जो है बेसिकली पीस को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट कर रहा है। सो रशिया का अटैक करना यूक्रेन पे इज ऑब्वियसली रॉन्ग। उससे पहले इंडिया ने 6 जुलाई को रशिया के साथ मीटिंग की, व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मीटिंग की। अभी रिसेंटली उन्होंने जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उनके साथ मीटिंग की। तो ये शो करता है कि इंडिया एक डिप्लोमेटिक मूव की तरफ जा रहा है, जहाँ पर इंडिया दोनों ही जो स्टेक होल्डर्स है वॉर को, दोनों को साथ में इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, दोनों को साथ में एक कॉमन टेबल पर लेके आने की कोशिश कर रहा है ताकि बातचीत हो सके और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके बातचीत के थ्रू।
अब अगर आप इंडिया का डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट देखोगे तो रशिया के साथ भी पहले वैसा ही था जैसा आज के टाइम में बेसिकली यूक्रेन के साथ है। उस समय भी इंडिया रशिया को और यूएसए को या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, और आज भी इंडिया कोशिश कर रहा है रशिया को और वेस्टर्न कंट्रीज को बैलेंस करने की। और ये चीज़ आप देख सकते हो जब भी इंडिया बेसिकली ज्वाइंट स्टेटमेंट्स रिलीज करती है तो उसमें आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी किस तरीके से इंडिया बहुत ही डिप्लोमेटिकली होकर वर्ड्स को चूज करता है। ये शो करता है एक्चुअली कि इंडिया डिप्लोमेटिकली कितना स्ट्रांग हो चुका है। नाउ इसके अलावा इंडिया जो है पब्लिकली कभी भी रशिया को क्रिटिसाइज़ नहीं करता है। ऐसा क्यों? पहली चीज़ तो इंडिया का स्ट्रेटजिक पार्टनर है रशिया, और दूसरा इंडिया जो है रशियन मिलिट्री के ऊपर डिपेंडेंट है सप्लाईज़ के लिए। जो अच्छे गन्स होते हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं, अच्छे फाइटर जेट्स होते हैं, ये सब हम कहीं ना कहीं रशिया से ही खरीदते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ एक तरफ तो देखो इंडिया रशिया के साथ रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहता है, बट वहीं दूसरी तरफ इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है जो कि पीस और इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंदर अपने खुद के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान को दे। नो, एक तरफ इंडिया ने तो रशिया को बिल्कुल भी कंडेम नहीं किया है, मतलब आउटराइटली कंडेम नहीं किया है, बट वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न पोजीशन से पूरी तरीके से सपोर्ट ले लिया है। नहीं, इंडिया ने वेस्टर्न जो पोजीशन है बेसिकली यूक्रेन के साथ जो आसपास की कंट्रीज हैं यूएसए एंड ऑल जो साथ में मिलकर रशिया के अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश कर रही हैं उनको भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया इंडिया ने। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करो तो स्पेशली जैसे यूएसए तो वो देखता है कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया एक्चुअली यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर यूएसए को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन रखने में, बिकॉज इंडिया यहाँ पर आउटराइटली यूएस को रिफ्यूज करके रशिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रादर दोनों को साथ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और ऑब्वियसली अभी का जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है हमारा उसमें इंडिया की पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि इंडिया यहाँ पर कोई भी कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता। सेम थिंग गोज कि जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है फ्यूचर पीस इनिशिएटिव्स में उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, बिकॉज यहाँ पर इंडिया फोकस करता है डायलॉग के ऊपर, इंडिया फोकस करता है पीसफुल रेजोल्यूशन के ऊपर, राइट। इस तरीके से ऑब्वियसली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपरली समझ आ गई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करते हैं कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। जैसे कि देखो नॉर्दर्न बाल्ड इबिस है। नॉर्दर्न बाल्ड इबिस एक ऐसा टाइम था जब पूरे पूरे यूरोप में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका, हर जगह पाए जाते थे, बट 17th सेंचुरी में इनका बहुत सारा हंटिंग हुआ था जिसके कारण ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए वर्ल्ड में, और सिर्फ मोरक्को और सीरिया के अंदर कुछ 100 लोग रह गए बस, मतलब सिर्फ 100 बर्ड्स रह गए। तो ऑब्वियसली इनको कंजर्व करना ज़रूरी था, तो कंजर्वेशन जब इनका स्टार्ट किया तो फिर सेंट्रल यूरोप के आसपास के एरिया में जैसे मोरक्को सीरिया के आसपास के एरिया में इनका जो ओवरऑल नंबर है उसको इंक्रीज करके 300 के आसपास पहुंचाया। नाउ बट एक चीज़ देखने वाली है कि इन सबको कैप्टिविटी के अंदर, मतलब जू के अंदर या फिर किसी पिंजरे के अंदर बंद करके इसको रेस किया गया है, सो दैट इनको प्रॉपरली हम यू नो न्यूट्रिशन दे सकें, उनकी हेल्थ का ध्यान रख सकें, सो दैट उनका जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन ना हो जाए। लेकिन इसके कारण हुआ क्या है, कैप्टिविटी में यू नो रेज होने के कारण उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट थी ना माइग्रेट करने की वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। अब माइग्रेट करने की जो भी कैपेबिलिटीज़ होती है वो कोई भी बर्ड जो है वो अपने हमेशा सीनियर से सीखता है, यानी कि अपने ओल्डर बर्ड से सीखता है, अपने से पिछले जो जनरेशन है उनसे सीखता है। बट बिकॉज हमने देखा कि नॉर्दर्न बाल्ड इबिस का जितना भी जनरेशन था, पिछला जनरेशन था, उन सबको तो एक्सटिंक्ट कर दिया गया है, उन सबको मार डाला गया है, तो ऑब्वियसली ये लोग सही तरीके से उड़ नहीं पा रहे थे, माइग्रेट नहीं कर पा रहे थे, इनको माइग्रेशन का रूट नहीं पता था, इनको नहीं पता था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, राइट। बहुत सारे अलग अलग तरीके के अटेम्प्ट्स किए गए लेकिन ऑब्वियसली बर्ड्स ने सही तरीके से माइग्रेट नहीं किया सूटेबल विंटर ग्राउंड्स में, मतलब जहाँ उनको जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाए वो। इसी चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट जो ह्यूमंस हैं वो साथ में आते हैं, उन्होंने एक टेक्निक बनाया जहाँ उन्होंने बोला कि हम एक माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट बनाएंगे, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को डालेंगे, ठीक है, एक पर्सन रहेगा यहाँ पे, और ये पर्सन जो है एक्चुअली वो बेसिकली गाइड करेगा बर्ड्स को कि किस पर्टिकुलर रूट में जाना है, मतलब वो बर्ड्स के साथ में उड़ता हुआ जाएगा माइग्रेशन के लिए। ऑब्वियसली हमें तो पता है कि कौन से बर्ड्स कहाँ पे जाया करते थे बिकॉज हमने ओवर द टाइम उनको ट्रैक किया है, तो जो भी बर्ड्स जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ उनको प्रॉपरली लेके जाया जाएगा, और उनको ऑब्वियसली जो भी उनका लॉस्ट माइग्रेटरी रूट्स है, ऐसे रूट्स जो वो लोग खो चुके हैं उनको एक बार फिर से उसको रीस्टैब्लिश करवाने में हेल्प करेगा, उनको फिर से एक बार कनेक्ट करवाने में हेल्प करेगा। इसके कारण जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्लाइमेट चेंज के कारण ऑब्वियसली माइग्रेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है, माइग्रेशन का रूट चेंज हो रहा है, माइग्रेशन की जो टाइमिंग्स है बर्ड्स की वो भी चेंज हो रही है, तो इसके कारण तो स्पीसीज जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेजिव हो जाएंगी और एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देंगी, राइट, बिकॉज एक दूसरे के रास्ते में आना स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के टाइम में आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को जो स्टार्ट किया गया है, जो माइक्रो प्लेन बनाया गया है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव जिसके तहत माइग्रेटरी बर्ड्स को फिर से एक बार उनका रीस्टैब्लिश कराया जाएगा उनके लॉस्ट रूट से, जिस रूट से वो जाने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से उनको उससे रीस्टैब्लिश कराया जाएगा।
सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपरली समझ आ गई होगी। ये चार आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आज के, हमने चारों को प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।